इंडोरैप्टर जिसकी अपीयरेंस हुई थी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम में, जो डॉक्टर वू का तीसरा हैबिट था। स्कॉर्पियस रेक्स जो अपीयर हुई थी जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेसिस सीजन 3 में, और ये डॉक्टर वू की सबसे पहली हैबिट थी। यदि इन दोनों के बीच फाइट हो तो किसकी जीत होगी, इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस की, जो क्लियरली इंडोरैप्टर के पास स्कॉर्पियस से ज़्यादा है। मूवी में मेजी के रूम में आने के लिए वो दरवाजे को आसानी से खोल देता है। दूसरी तरफ जब कैंपर्स किचन में जाकर छिप जाते हैं तो स्कॉर्पियस दरवाज़ा नहीं खोल पाती और सीधा दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाती है। यानी स्कॉर्पियस दिमाग से ज़्यादा अपनी ताकत पर निर्भर है। स्पीड की यदि बात की जाए तो कैम्प क्रिटेसिस सीजन 3 में हमने स्कॉर्पियस को दो पैरों में भागते हुए देखा था, और इंडोरैप्टर भागते वक्त अपने हाथों का भी इस्तेमाल करता है, जिससे कहीं ना कहीं इंडोरैप्टर की स्पीड ज़्यादा हो सकती है। प्लस इंडोरैप्टर स्कॉर्पियस से थोड़ा छोटा भी है, जिससे वो स्कॉर्पियस से ज़्यादा फुर्तीला हो सकता है। ताकत के मामले में भी इंडोरैप्टर आगे है। इन दोनों हाइब्रिड्स के साथ ब्लू की फाइट हुई थी। जब ब्लू स्कॉर्पियस के साथ लड़ी तो वो काफ़ी हद तक ठीक ठाक थी, पर दूसरी तरफ इंडोरैप्टर से लड़ने के बाद वो घायल हो गई थी, जबकि इंडोरैप्टर ने ब्लू के साथ प्रॉपरली फाइट की ही नहीं थी। इंडोरैप्टर की बाइट फोर्स भी ज़्यादा है। उसने वीटली के हाथ को अपने जबड़े के छोटे से दबाव के साथ ही उखाड़ दिया। पर हाँ, स्कॉर्पियस के पास एक स्पेशल हथियार भी है, उसके पूंछ में लगे जहरीले कांटे, जिसका यूज़ करके वो इंडोरैप्टर के खिलाफ जीत सकती है। पर जब भी स्कॉर्पियस दूसरे स्कॉर्पियस के साथ लड़ रही होती है, या फिर ब्लू के साथ ही लड़ रही थी, उसने कभी भी अपने कांटों का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियस अपने जहरीले कांटों का इस्तेमाल सिर्फ शिकार करने के लिए करती है, लड़ाई के दौरान नहीं। और यदि स्कॉर्पियस इंडोरैप्टर पर अपने कांटों का इस्तेमाल कर भी लेती है, तब भी हम नहीं कह सकते हैं कि वे इंडोरैप्टर पर असर करेंगे या नहीं। सीजन 3 में स्कॉर्पियस ने अपने कांटों का इस्तेमाल हमेशा नॉर्मल डायनासोर्स पर ही किया था। हाइब्रिड्स पर इनका क्या असर हो सकता है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। फॉलन किंगडम में वीटली ने इंडोरैप्टर पर बेहोशी के दो डार्ट्स मारे थे, पर उससे इंडोरैप्टर को कुछ नहीं हुआ। हमने कैम्प क्रिटेसिस में देखा था कि स्कॉर्पियस अपने शिकार पर एक या दो कांटे ही मारती है, और यदि एक या दो कांटे मारने पर इंडोरैप्टर पर असर नहीं हुआ तो वह समझ जाएगा कि स्कॉर्पियस क्या करने वाली है, जिससे वो लड़ाई के दौरान उसके कांटों से बिल्कुल दूर रहेगा और मौका मिलने पर अपनी ज़बरदस्त बाइट फोर्स से उसे मार डालेगा। इन सब से यही कंक्लूजन सामने आता है कि यदि इंडोरैप्टर और स्कॉर्पियस रेक्स के बीच फाइट होती है तो मोस्ट लाइकली इंडोरैप्टर ही जीतेगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि यदि इंडोरैप्टर और स्कॉर्पियस के बीच फाइट होगी तो उसमें विनर कौन होगा। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।